क्वेश्चन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर व्हाट जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वह क्या है जस्टिसिएबल है नेचर में नॉन जस्टिसिएबल है रिजिड है या फ्लेक्सिबल है द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू नॉन जस्टिसिएबल द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर

या जब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि आप इन्हें डिसमिस कर दीजिए तब वो करते हैं या जब लोकसभा का रिकमेंडेशन होता है रिकमेंडेशन ऑफ द लोकसभा तब प्रेसिडेंट डिसमिस करते हैं या स्पीकर ऑफ द लोकसभा के कहने पर प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस करते हैं द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन टू ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाई द प्रेसिडेंट वेल दिन आर अपॉइंटेड बाई द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट करते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कौन अपॉइंट करता है अदर मिनिस्टर्स को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है बट प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस है जिसको जिसको प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि आप इनको बनाइए उनको प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट कर देते हैं दिस मीन्स दैट प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ओनली दोज पर्सन एज मिनिस्टर हु आर रिकमेंडेड बाय प्राइम मिनिस्टर वैसे ही लोग बन सकते हैं मिनिस्टर जिन्हें प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाने के लिए या मिनिस्टर्स बनाने के लिए अ मिनिस्टर कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर और अगर रिमूवल भी करना है मिनिस्टर का तो कैसे रिमूव हो सकते हैं प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन से ही हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मैंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितने इतने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है फाइव सेवन नाइन और इलेवेन करेक्ट ऑप्शन इज इलेवन द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ़ सिटीजन टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाई फोर्टी सेकेंड अमेन्डमेंट इन नाइनटीन सेवेंटी सिक्स फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन कब ऐड हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फोर्टी सेकेंड अमेन्डमेंट नाइनटीन सेवेंटी सिक्स में जब फोर्टी सेकेंड अमेन्डमेंट हुआ था किसके रिकमेंडेशन से फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो ऐड हुआ था सिंह कमिटी के रिकमेंडेशन से दैट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट अर्लियर दैट ईयर ओरिजिनली टेन इन नंबर द फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्रीज टू इलेवन बाय एटी सिक्स अमेंडमेंट इन टू थाउजेंड एंड टू पहले यह केवल टेन्थ थे बट आफ्टर वीज टू इलेवन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल प्लानिंग कमेटी वो सेटअप बाय नेशनल प्लानिंग कमेटी किसके द्वारा सेटअप किया गया था जवाहरलाल नेहरू ए दलाल सुभाष चंद्रहादुर सुभाष चंद्र बोस सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नेशनल प्लानिंग कमेटी का सेटअप हुआ था द नेशनल प्लानिंग कमीशन वॉज एन इंस्टीट्यूशन इन विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच फॉर्मुलेटेड इंडिया फाइव यह एक ऐसा कमीशन था जिसमें साल सरकार क्या करेगी वह डिसाइड किया जाता था क्या पॉलिसीज बनेगा वह डिसाइड किया जाता था अमंग अदर इन अक्टूबर द कांग्रेस प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस सेटअप द नेशनल प्लानिंग कमिटी एनपीसी एन पी सी का फुल फॉर्म क्या हुआ नेशनल प्लानिंग कमेटी इसका सेटअप कौन किया था सुभाष चंद्र बोस इसका फंक्शन क्या है आई थिंक इट इज क्लियर टू यू ऑल सो नेक्स्ट क्वेश्चन इन द इवेंट ऑफ द रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर क्या होगा अगर प्राइम मिनिस्टर का डेथ हो जाता है या वो रिज़ाइन कर देते हैं तो क्या होगा द मिनिस्ट्री इज डिज़ोल्व जो मिनिस्ट्री है उनकी वो डिज़ोल्व हो जाएगी फ्रेश जनरल इलेक्शन मस्ट टेक प्लेस फिर से इलेक्शन होगा द कैबिनेट में चूज अनदर लीडर या जो कैबिनेट है वो एक नए लीडर को चूज़ करेंगे द प्रेसिडेंट डिसाइड वॉट टू डू या फिर प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे क्या होगा द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन वन द मिनिस्ट्री इज डिज़ोल्व इफ़ द प्राइम मिनिस्टर प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड इन्फ्लुएंस इट्स डिसीजन प्राइम मिनिस्टर स्टैंड एट द हेड ऑफ़ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अदर मिनिस्टर कै नॉट फंक्शन वन द प्राइम मिनिस्टर रिजाइन और डाइस जो प्राइम मिनिस्टर है वो हैड होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के और अगर प्राइम मिनिस्टर ही का ही डेथ हो जाता है या वो रिज़ाइन कर देते हैं तो फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे फंक्शन करेंगे इस सीनारी में क्या होता है मिनिस्ट्री जो है वो डिजॉल्व हो जाती है Next question is Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act was passed in. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, kapaswata 2004, 5, 7, or 10? 2005. National Rural Employment Guarantee Act 2005 is an Indian labor and social security measure that aims to guarantee the right to work. ek yeah, asa. एक्ट या मतलब इसको मेनली हम कह सकते हैं ऐसा एक्ट इसलिए बनाया गया था ताकि जो वर्कर्स हैं उनको अधिकार मिल सके कि वो वर्क कर सकते तो इट इट मेनली इट्स मेन टू गारंटी द राइट टू वर्क नेक्स्ट क्वेश्चन इज दो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा द इंडिविजुअल मिनिस्टर्स आर कॉन्स्टिट्यूशनली रिस्पॉन्सिबल टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली किसको को रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा हाँ को बट जो एक इंडिविजुअल मिनिस्टर होते हैं दे आर कॉन्स्टिट्यूशनली किसको को रिस्पॉन्सिबल होते हैं द प्रेसिडेंट द प्राइम मिनिस्टर द स्पीकर और नॉन ऑफ दी ऑप्शन वन इज़ करेक्ट द प्रेसिडेंट जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल uh, है वैसे ही एक इंडिविजुअल मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट को रिस्पॉन्सिबल होता है

ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है जो पर्सनल इम्यूनिटी देता है प्रेसिडेंट एंड गवर्न, गवर्नर को ऑफिशियल एक्ट के लिए उनके ऑफिशियल काम के लिए आर्टिकल 362, 363, 368 एंड 361। द करेक्ट ऑप्शन इज 361। द गवर्नर ऑफ स्टेट आर नॉट एंसरेबल टू एनी कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द एक्शन डन बाय हिम इन द एक्सरसाइज ऑफ इज पास एंड ड्यूटीज नो कैन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द गवर्नर इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ ज्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस गवर्नर ऑफ स्टेट जो है वो किसी को भी एंसरेबल नहीं होते कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ किसी को भी नहीं अगर उन पर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी चलती है तो कोई भी ऐसा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है वो उनके अगेंस्ट स्टार्ट नहीं हो जा हो सकता कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ में उनके पास इतना पाव होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच काइंड ऑफ पंचायती राज सिस्टम वॉज रिकमेंडेड बाय बलवंत राय मेहता कमेटी ऐसा कौन सा कमेटी था जो पंचायती राज सिस्टम को लाया तो बलवंत राय मेहता कमेटी जो थे वो लाए पंचायती राज सिस्टम को बट इसमें मेनली कैसा टाइप ऑफ गवर्नमेंट का सेटअप था टू टायर गवर्नमेंट थ्री टायर विलेज लेवल और नन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन टू बलवंत राय मेहता कमेटी वॉज कमेटी अपॉइंटेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन जनवरी नाइनटीन फिफ्टी सेवन बलवंत राय मेहता कमेटी कब आया था नाइनटीन फिफ्टी सेवन जनवरी में इसका मेन एम क्या था वर्किंग क्या था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम नाइनटीन फिफ्टी टू एंड नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज एंड टू सजेस्ट मेजर्स ऑफ द बेटर वर्किंग ताकि कैसे अच्छा से अच्छा काम हो पाए उसको सजेस्ट करना था बलवंत राय मेहता कमेटी का इसी में थ्री टायर का सेटअप होता है गवर्नमेंट जिस में जिसमें एक पंचायती राज सिस्टम वॉज रिकमेंडेड बाय बलवंत राय मेहता कमेटी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आर जनरली आस्ड इन द एग्जामिनेशन सो वी आर डन विद दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल